तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। हाँ भाई, ओ केड़ी सोचा मेरी डुबी हुई है, हाँ मेरी होशियार बच्ची। कुछ नहीं भैया जी, बस ऐसे ही। पुत्र, जब तू इस दुनिया में आई थी ना, तो पहला बंदा जिसने तुझे गोद में चुका था वो मैं था। मैं तेरा चेहरा पढ़ लेना, लेकिन कुन्नी है कई बारी नहीं पता लगता। मताज शेयर कर मियाँ जी के साथ, बहुत हल्का होएगा। मैंने कहा ना मियाँ जी, कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर ऐसा उदास उदास क्यों बैठी हुई? मैं ठीक हूँ मियाँ जी, आप बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। मुझे बताएं, कोई काम था आपको? हाँ काम था, बैठ बैठ जा ना। तेरे से सवाल पूछना था, जवाब देने को तैयार? जी तैयार हूँ, पूछिए। पूछना है क्या? मंगनी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? उन कुमन कमेरिया ना मेनू दे, हाँ सीधा सीधा जवाब। अगर तो मंगनी किसी और की हो रही है तो अच्छा ख्याल है, और अगर मेरी मंगनी की बात कर रहे हैं तो साफ इनकार। मियाँ जी, मेरी जाती राय के मुताबिक ना दोनों चीजें होनी चाहिए, पहले मंगनी और फिर शादी। ऐसे लोगों को दो दो फंक्शन अटेंड करने का मौका मिल जाएगा ना, और मजा भी कितना आएगा। मैं संजीदा मौजू पे बात करना चाह रहे हैं, तू लाके अपनी याशा पे जाके चाय बना, नाल पकौड़े भी ताल। मियाँ जी, ये तो इतना लंबा काम हो जाएगा। हाँ तो मैं गल भी लंबी करनी है, याशा पे से। हाँ बच्चे, फिर दस आगे की जिंदगी के साथ क्या करना है तुम्हें? तो प्लान आपको शुरू से पता है मियाँ जी, वजीर आजम बनना है मुझे। बल्कि मैं तो सोचूं कि अमली सियासत में जाने का भी वक्त आ गया है। हाँ पुत्र, तो अमली सियासत का जो दर्स है वो घर से भी शुरू हो सकता है। मसलन है सास बहू की सियासत, बहू नंदों की सियासत, मियाँ बीवी की सियासत। अरे बंदा करो जाए ना इस तरह प्रिपेयर होके, तो दुनिया में बड़ा कामयाब हो सकता है। हाँ सब कुछ हो सकता है। वैसे जो मुंडा है ना वासिक, अच्छा है। मियाँ जी, वो मैं पूछने के लिए आई थी कि आप पकोड़े कौन से खाएंगे, बैंगन के या पालक के? यार मिट्टी से बना ला, कुछ भी कर ला, मैं थे एक सीरियस मौजू पे बात कर रहा हूँ, जाओ शाबाश। अच्छा फिर ऐसा करती हूँ कि मैं आलू के बना लेती हूँ, रानी को भी बहुत पसंद है ना। मेरे लिए इतनी सहमत करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाने। हर वक्त की मुसीबत से आपा। इसे क्या हो गया मियाँ जी? देख नहीं रही, उन्हें पकौड़े नहीं पसंद, मुसीबत से आपा। बहरहाल माहिर आ रहा है शमी, उन्हें गई आसिया अपनी निगरानी में खाना पकाए। ये माहिर क्यों आ रहा है? कोई जरूरत है उसकी खातिर मदारत करने की? उसकी अम्मा जी है ना अमेरिकन रिटर्न, वो रखेंगे उसका ख्याल, खाने बना बना कर देंगे उसको। और अब तो उन्होंने अपनी हेल्प भी मंगवा ली है, अपनी मुंह बोली बेटी जो आपको मासी मीस नहीं कहेगी। माहिर को ना ऐसी ही लड़की चाहिए थी, यही डिजर्व करता है वो। मीस नहीं चड़ैल बेटे, कोई जरा ज्यादा ही नहीं है, हैं? आपका कोई जाती झगड़ा है उससे? आप देखिएगा मियाँ जी, ये माँ बेटी ना सिग्नी का नाच नचाएंगी माहिर को। तू कितने पकौड़े तो नहीं? मैं भी शुरू थोड़ी किए थे, तो पूछने आई थी मैं आपसे। हाय हनी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कोई गलत सोचूंगी? फिलहाल तो मैंने इस बात पे गौर नहीं किया, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ डिसीजन हमने मेरी मोहब्बत में नहीं लिया, अपने मफाद के लिए लिया है। आपको ये घर चाहिए, और आप ये भी जानती है कि जोर जबरदस्ती से आप इसे कभी हासिल नहीं कर सकती। हे बड़ी जलील है तू हनी, यानी तुझे मुझे भरोसा ही नहीं है।
सूची जी एक मिनट, पहले मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर शक्ल अच्छी नहीं हो ना तो बात अच्छी करनी चाहिए। एक तो पहले ही हनी ने मेरा हार्ट जला के रख दिया है। सूची जी मैं ये बताने आया था कि माहिर ने ना सारे लोगों में थैंक गॉड मुझे यकीन था यही होगा। मैं जानती थी माहिर बड़ा क्लेवर बच्चा है, थोड़ा सा गुस्सा करेगा पर उसके बाद मान जाएगा। और दुख की बात तो यही है, उसने अंडरस्टैंड नहीं किया, उसने सारे लोगों में इनकार कर दिया। बेड़ा गर्क बेवकूफ का बच्चा, इस बात का भयानक अंजाम अब वो अपनी आंखों से देखेगा। मैं जा रही हूँ लॉयर के पास, तुमने मेरे साथ चलना या नहीं चलना? इस प्रॉपर्टी का फैसला ना अब कोर्ट में होगा। स्वीटी जी वही आराम से, जरा देखिए हम बैठ के आराम से तसली से इस बात का कोई हल निकाल सकते हैं। ओए आप तो सियासतदानों की तरह आड़ी गई हैं। तुम जो सारे डॉलर वहाँ से यहाँ इन लोगों को भेजते रहते थे ना, वो सब मुझे वापस कर दो, मैं कूल हो जाऊंगी। क्या बात कर रही हैं आप स्वीटी जी, मैं वहाँ पे मेहनत करके जो डॉलर कमाता था वो अपनी फैमिली को भेजता रहा हूँ। बीवी का हाथ बटाने के कोई डॉलर लेते हैं? ऐसी हरकत ना तुम जैसे नीच रोगी करते हैं। अब तुम देखना तुम्हारे एक एक घर के फर्द की ना जिंदगी मैं जहन्नुम बना दूंगी। आप स्वीटी आंटी, एक तो आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं। आपको किसी की भी जिंदगी जहन्नुम बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कहेंगी वैसा ही होगा एंड आई विल हैंडल एवरीथिंग। बस आपने गुस्सा नहीं करना। अगर तुम इस काबिल होती ना तो वो पब्लिकली इस तरह इनकार ना कर देता। मैं किस काबिल हूँ ये तो वक्त ही बताएगा। आप फिलहाल किसी लॉयर के पास नहीं जाएंगी, ओके? ओके, मैं थोड़े दिन देख रही हूँ, लेकिन अगर इस दौरान कुछ नहीं हुआ ना तो फिर मैं जा रही हूँ लॉयर के पास। ओके ओके, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं। रिलैक्स। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हालात नहीं बदल जाते। आज इस किस्से को हम आर या पार करने के इरादे से हैं। सो बी ब्रेव और चलें। अस्सलामुअलैकुम मियां जी। ओए रंगे रंगा, अबे किधर से नौजवान फौजें आ गई आज हैं? ओ माहिर तू तो अपने मियां जी को भूल ही गया है यार, है? मिलता ही नहीं। मियां जी भला ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता ना, नहीं आता तू, मैं तो इंतजार करता रहना। सच कहूं मियां जी, आप ठहरे बड़े लोग, आपके दिल में ये ना आ जाए ना कि मैं बार बार किसी मतलब के तहत यहाँ आता हूँ। तो बच्चे बड़ा वो होता है जिसमें इंसानियत होती है, मैं तो उसको बड़ा समझना, तू तो अच्छा बड़ा बनाएंगे, मिला कर भाई। हाँ चलो एंजॉय करो अपने आप में, मैं जरा नमाज पढ़ा वहाँ जा। शाबाश। आइए आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। रानिया चाय पीने नहीं आए, तुमसे मिलने के लिए आए, तुम हमारे साथ चल के बैठो। तुम पियो ना पियो, लेकिन मेहमान आए हैं, इनकी खातिर तवाज़ा करना तो मेरा फर्ज है। मैं चाय भेजती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूँ? ठीक है, आप लोग बैठे। पता नहीं कहाँ रह गई हैं दोनों, कितनी देर इंतजार करवाएंगी। अरे राबेल रानिया को समझा रही होगी, टाइम तो लगेगा ना। और माही मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आज तो मकड़ के नहीं रहोगे। जब राबेल रानिया को मना लेगी ना तो तुम भी सामने आ जाना और अपनी मोहब्बत का वो क्या कहते हैं इकरार कर देना। ओके अब हम भी चलते हैं, लेट्स गो। चलो आ जाओ। तुम इन दोनों को चाय पिलाओ और रवाना करो। तुम बेशक रुक जाना मेरे पास, लेकिन माहिर और इसकी दोस्त को निकालो। लगता है जेलस हो रही हो। मैं भला क्यों आलतू फालतू लोगों से जेलस होंगी? ये भी है, वैसे तुम्हें पता है भाई ने हनी से शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा चलो जैसे उनकी मर्जी, मुझे क्या। वैसे दोनों साथ में ही अच्छे लगते हैं। भाई तुमसे मोहब्बत करती है। ये तुमसे किसने कहा? उन्होंने खुद बताया है, और सालिक ने भी इस बात की गवाही दी है। ओह अच्छा, रानिया इस मोहब्बत की कदर करो, अगर वो तुमसे इजहार करें तो
तो इनकार ना करना प्लीज। तुम बहुत मासूम हो राबेर, कुछ नहीं जानती। हाँ मैं मासूम हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। रानी अब एक इंसान तुमसे शादी करना चाहता है, इससे बड़ी और क्या दलील चाहिए किसी की मोहब्बत की? उन जैसा खुद पसंद मगरूर संग दिल इंसान भला मोहब्बत को कैसे समझ सकता? उन्हें तो शायद पता भी नहीं कि मोहब्बत होती क्या। वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर उन पर हंसते शर्तें लगाते और फिर शर्त जीतने पर अपनी जीत का जश्न मनाते। जैसी लड़की जिसके लिए उसकी इज्जत नफ्स उसका वकार ही सब कुछ है, वो इनकी मोहब्बत के फैलाए हुए जाल में नहीं आ सकती। जो मैं कह रही हूं यही सच है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो जैसे इंसान के साथ ना यही सब होना चाहिए। बहुत बहुत गरूर था ना तुझे खुद पर। देख देख ना कैसे उस लड़की ने तेरा सर झुका दिया। ये शर्त लगाई थी तुमने, रानिया का मजाक उड़ाना चाह रहे थे। तुम्हें पता है मैं रानिया को ही गलत समझती थी और तुम्हें अपना दोस्त। कितनी बेवकूफ हूं मैं। रानिया ने आपको आईना दिखाया है भाई, आइंदा किसी लड़की का यूं मजाक बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ओ भाई इजी रिलैक्स, मैं कोई मजाक नहीं बना रहा था यार, मैं वाकई उससे मोहब्बत करता हूँ। हाँ मगर ये भी सच है कि तूने मेरे साथ शर्त लगाई थी। रे यार, हाँ लगाई थी, शर्त लगाई थी, लेकिन वो मेरी बेवकूफी थी। गलती हो गई मुझसे कि मैंने उसकी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, नहीं खोना चाहता उसको। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ यार, मैं मानता हूँ कि शर्त लगाना मेरी गलती थी और मैं उस गलती पर शर्मिंदा भी हूँ। और ये तू तो सब कुछ जानता है यार, उसके बावजूद तू इनके साथ खड़ा हुआ मेरे खिलाफ। अरे हो गई यार गलती, लेकिन तुम लोग ये तो देखो कि मैंने उसके दादा की कितनी खिदमत की है। किस लिए? उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। उसके बाप के सामने सादत बंदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉक्टर वासिक को उसके साथ देख के मैंने अपना दिल जलाया, अंगारे चबाए, हर चीज की सारी कुर्बानियां दी। किसकी खातिर? रानिया की खातिर यार। देखो गर्ल्स, कह तो ऐसा ही रहा, ये वाकई उस लड़की से मोहब्बत करता, लेकिन रानिया को तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। जानता हूं मैं, उल्टी खोपड़ी के ना वो, बहुत ईगो है उसमें। तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी यार। हम क्या हेल्प कर सकते हैं? वैसे माहिर तेरी बड़ी जबान चलती है, और आज एक मासूम सी लड़की तेरी मोहब्बत का यकीन नहीं कर पा रही है। वो दिखाना अपनी वो चर्ब जबानी का कमाल। रानिया हमेशा से ही मुझसे बदगुमान रही है यार, कुछ भी कर लू ना मेरी बात वो कभी नहीं मानेगी। बट यू गाइस, तुम लोगों की बात वो सुनेगी। तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो ना? क्या ऐसे फ्लैट एक्सपेक्शंस के साथ एक दूसरे को क्या घूर रहे हो यार? मेरी हेल्प करो ना। अरे कैसे दोस्त हो तुम लोग? तुम लोगों को मेरे चेहरे के ऊपर ये उदासी, ये गम, ये बिलखता हुआ रोता हुआ चेहरा नजर नहीं आ रहा? देखो 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 देखो, हंसते चेहरे का मतलब ऐ नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, इहदा मतलब ऐ होंगे उन्होंने अपनी तकलीफा नाल डील करना होता। बस यार, स्टॉप बीइंग सो क्रिंजी, वी हर्ड यू। हाँ हो गया।
तो मैं ये कह रहा था, देखो यार कोई ऐसा... तुम चुप। हाँ शुक्रिया भाई, ये माहिर है और अब कुड़ियां जेड़ियां ने एकदम ही उठ के चले गए हैं, उन्हें खाने शाने की दावत नहीं दी उसे। रहने दे मियाँ जी, ये शहर के मसरूफ लोग हैं, इनके पास इतना वक्त नहीं होता। क्या बात है, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तेरा और माहिर का? हैं? नहीं नहीं मियाँ जी, झगड़ा कैसा? अच्छा, उसका ब्याह होने वाला है, तो मुबारकबाद दी है उसे? नहीं, वो राबेल ने बताया था कि माहिर ने ना इनकार कर दिया शादी से, ये तो होना ही था। भला माहिर कैसे स्वीटी आंटी की मुंहबोली बेटी से रिश्ता जोड़ सकता है, उसको तो स्वीटी आंटी बहुत बुरी लगती है। इनकार कर दिया, बेवकूफी की, अच्छी पली कुड़ी है वो। चलो मैं उसे समझाऊंगा। क्या आप समझाएंगे? आपको कसम लगे मियां जी, आप ये नहीं करेंगे। क्यों भाई? बस नहीं करेंगे ना भाई, आप मुझसे वादा करें आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले में तो हम दादा पोती सारों के मसले तय करते थे, हैं सुलझाते थे, ऐसा क्यों? शहरी लोग अलग होते हैं मियाँ जी, बस हमें दूसरों के फंडों में नहीं पड़ना। अच्छा, नहीं पड़ना फिर। ले रफीक अहमद, खावर ते मोना दा रिश्ता ते आज पक्का हो गया है, तारीख पक्की हो गई। ते तेरे कोल कोई दो हफ्ते जी हैं, ते इंज कर दे जरा नट शट कस दे, दिमाग दा हिलिया होए। अम्मा जी प्लीज मेरी पोजीशन को समझे, थोड़ी सी दामादों वाली इज्जत दे दें। चुप करो खावर, आपा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मा जी क्यों ना हो जाए कोई रौनक प्रोग्राम, है ढोलकी शोलकी, मजा आएगा है। और वैसे भी इतने कपड़े सला लिए हैं, शो कब मारूंगी मैं? तेरी बुड्ढी कह रही ठीक रही है वैसे, है ना रौनक? हाँ जी ठीक कह रही है। अभी कोई गल कहने वाली है, मैंने पता तेरा। अच्छा तू इंज कर, पड़ोसियों नु बुला ले ते नाले ढोलकी मंगवा, ते राणियां नु भी फोन करके बुला ले, ते फिर इत्थे खूब रौनक लगेगी, ताकि सारियां नु पता चले कि भाई घर दे विआह हो रहा है विच। ते महीर पुत्र, तू की मुंह लटका के खड़ा है, तेरा कुछ गुआच गया? दिल गुआच गया दादी। दिल गुआच गया? दिल वाला लॉकेट था ना मेरा, वो गुम हो गया है, उसकी बात कर रहा था। ओ एवे दिल ते ना ला, कोई गल नहीं, लॉकेट दी केड़ी गल है, ओ तेरे दोस्त दी दुकान हैगी ना, ओदे को यार बेशुमार लॉकेट है केड़े लटके हुए। माही तुम फिकर ना करो, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे, बहुत जल्द तुम्हें दिल वाला लॉकेट मिल जाएगा। थैंक यू हनी। मैं दुबई से मंगवा दूंगा। चल पुत्र, निके जे लॉकेट ले मुंह ना लटका, अल्लाह होर देगा तेन बहुत सारे। सीमा राणिया नू फोन कर, उन्हें बुला भाई, रौनक लगे उसके बगैर महफिल नहीं सजदी, मान ना महफिल दी जान है मेरी। पुत्र की ड्रामा लाया होया है, कुड़ी तो रोंदी रहती है कलंदर। पता नहीं भाई, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। भाभी भाभी। हाँ जी हाँ जी। आपको पता है अम्मा जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि मोना की ना डेट फिक्स करने के लिए आ रहे हैं, हम सबको बुलाया है। वाह जी वाह, कितना मजा आएगा, ढोलक भी बजाएंगे। हाँ जी ये तो है, बड़े मजे आएंगे। ओए रानी, तू की बीमार मुर्गी की तरह कोने खदरों में पड़ी रहती है, डिसाइड कर कल की पाना आएगा। ताए जी मैं तो कह रही हूँ मोना दे नाल नाल ना अपनी बेबो की भी रुखसती करा देते हैं, वैसे भी इनके ससुराल वाले ना बड़े बेताब हो रहे। हाँ बच्चों से आदमी फर्ज पूरा करे, जितनी छेती करे उतना ही अच्छा है, और की ठीक है। मियाँ जी, जी आपसे और आसिया से रानिया के रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। करो। ये वासिक अच्छा लड़का है, रानिया को बहुत खुश रखेगा। मेरे ख्याल में हमारी रानिया के लिए इससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हाय सदके, मैनू ते वासिक वड्डा ही पसंद है, सबसे वड्डी गल ते सचमुच दा डॉक्टर हैगा। हमारे यहाँ तो बेबो डंगर डॉक्टर की भी बड़ी इज्जत है, ते सच्ची मुच्ची का डॉक्टर हैगा। भाई बड़ी अच्छी गल है कि डॉक्टर है, लेकिन शादी ब्याह जो होता है ना, ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेड नहीं है, बड़ी सोच विचार के बाद बंदा रिश्ता तय करता है।
वो लड़का घर छोड़ के तो नहीं जा रहा ना, इधर ही है। अरे नहीं मियाँ जी, माशाल्लाह सादतमंद लड़का है, वो ऐसा क्यों करेगा। मैं ठीक है, फिर सब्र सुकून करो, हो जाएगा जो होना। अच्छा भाभी जल्दी करें ना, अब तैयारी भी करनी है, अम्मा जी इंतजार कर रही होंगी, देर हो जाएगी। ओए बेबो, तकरीब आज नहीं है, कल है, कोई बड़ा ही बेताब है अप्पा जी के घर जान लिए। चल किचन चलिए। तुम चलोगे हमारे साथ भाई? नहीं मियाँ जी, मेरा वहाँ क्या काम है, आप लोग हो हैं? हाँ भाई, आप सीरियस बंदे हैं। आप हंसमुख लोगों के दरमियान किधर बैठते हैं? नहीं जी मियाँ जी, मेरा ये मतलब थोड़ी ना है यार। ये ड्रामा भी औसतना सही है, कुड़ी फेर रोन गई। ये सब डॉक्टर की साजिश, वरना बाबा के दिल में कहां से आ गया अचानक से मेरे शादी का ख्याल। छोड़ूंगी नहीं मैं इस डॉक्टर को, इनके सर से तो शादी का भूत उतार कर ही रहूंगी मैं। कि खुद ही खुद में क्या बुड़बुड़ाया जा रहा है। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दे बेबू, मैं बहुत सख्त गुस्से में। यही तो मैं पता लगाने के लिए आई हूं कि मेरी रानी को किस बात का गुस्सा है। अच्छा जी, ये भी अब मैं खुद ही बताऊं। हाँ सुना नहीं था कि आपके भाई ने क्या कहा? यकीनन अम्मी भी उनकी हाँ में हाँ ही मिला रही होंगी। तो क्या बुराई है डॉक्टर साहब में? मेरा मतलब है कि रानी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए खूब से खूब तर की तलाश में होते हैं, और जब इतना अच्छा रिश्ता घर में मौजूद हो तो सोचना तो बनता है ना। देखा देखा, आप भी मिलके ना अपने भाई के साथ, सबने मिलकर मुझे अकेला कर दिया है। तुम और मैं अलग, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम भले मुझे अपने दिल की बात बताओ ना बताओ, मैं सब जानती हूँ। हाल बता, तुम शायद अपने दिल की बात नहीं जानती, और या फिर जानबूझकर अनजान बन रही हो। आ गए आप? जी आ गया हूँ। लगता है बहुत बेचैनी से मेरा इंतजार किया जा रहा था। जी शदीद बेचैनी से आपका वेट कर रही थी। मुझे एक बात बताएं, इतने सालों से आप कवारे पड़े थे, तब कोई मसला नहीं था, ये अचानक से कौन सा कीड़ा काटा जो फौरन लाके पड़ गई है? कीड़ा? लगता है आपको मेरा शादी करना पसंद नहीं है। कुछ ऐसी ही बात, मेरे वालिद मोहतरम से कहते कि अभी आपको कोई शादीवादी नहीं करनी है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजीब है, पता नहीं क्या अजाब बन गई है मेरी जिंदगी। कीड़ा। लो जी ताया जी, चाय थे तुसी ठंडी कर दीती। बड़ी मुश्किल नाल ठंडी की थी। ताया जी तुसी रानिया नु समझाओ की डॉक्टर नू डांट रही सी, ते विचारे मासूम डॉक्टर साहब सर झुकाए उदी बातें सुन रहे। स्टांक वर की लड़की है, क्यामत मचाई हुई है इसने, इसको बोले हर किसी की फपो ना बन जाया करे। वो कह की रही सी? क्लियर ते सुनाई नहीं देता, पर कुछ इंज कह रही थी, सारी उम्र ते कुंवारी गुजार दिएगी, हुन शादी दी की मुसीबत है, इस लड़की की इन्नी गला की वजह से ना इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथों से निकल जाना। ताई जी इससे पहले कोई गड़बड़ो, मैं ते कह रही हूं रिश्ता कर दियो। की सोचन पे, सही कह रही है ना मैं? सही गल है, सारे कह रहे ने जी मुंडा बड़ा अच्छा है। देते है? तो कुड़ी जी भी कोई मर्जी है कि नहीं है? काटे विचो किसी ने ब्याह करना कौन है करना है? जब मैंने हक दिया भाई अपनी बेटी को कि अपनी मर्जी से शादी कर सके, तो की ख्याल है मैं अपनी पोती को ये हक नहीं दूंगा। वो करेगी जो उसकी मर्जी होगी। तो उसकी मर्जी तो वजीर आजम बनने की हैगी, वो ही करेगी। वो उस दीवानी की इन ख्वाहिशों के पीछे इतना अच्छा रिश्ता ठुट पे मार दिए। ख्वाबों की तबीर वो करते हैं जो ख्वाब देखना चाहते हैं। तुसी रानिया दा ना फिक्र ना करो, आसमां के बारे में सोचो, शहरी के औकात में गैस मिलेगी या नहीं, शहरी परेशान, तनु रानिया दी पई हुई है। गैस चली जानी है, चाय गर्म कर ना, फिर तेन दसे बड़ी मुश्किल ठंडी की थी। जान दे
कहना चाहते। अस्मा मैं यार ये धीमी धीमी धूम पी जो है ना तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगी ना तो कि सनबर्न ना हो जाए, इतनी गोरी हो तुम। ओ हाँ ओ ये फूल मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। अस्मा वुड यू लाइक टू मैरी मी? ओ चुप के बोलता हूँ। अस्मा ओ भैया ना देख लें, भैया ना देख लें, एक मिनट। अस्मा कैसी हो भैया, क्या हाल है आपके? बाजी ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो? बाजी मैं वो कल की प्रैक्टिस कर रहा था। कल की क्यों? वो मोना और वो जो उनका इवेंट है तो उसमें अस्मा को फूल देने की प्रैक्टिस कर रहा था। फूल? फूल? रेडी फूल? कपड़े प्रेस किए तुमने? टिंग टिंग किए बाजी, टिंग टिंग किए। मैं सोच रहा हूँ मैं सफेद वाला पहनूंगा। मैं तुम्हारे कपड़ों की बात नहीं कर रही, मैं अपने कपड़ों के लिए कह रही हूँ। बाजी आपकी समझ नहीं आ रही, साड़ी करूँ या वो चूड़ीदार पजामा और ये? हाँ हाँ तुम्हें समझ कैसे आएगी, तुम्हारे सर पे तो इश्क का जिन भूत सवार हो गया। अरे बाजी कैसी बातें कर रही है बाजी, क्या आप चाहती है मैं आपकी उम्र का हो जाऊँ और मैं कवारा मर जाऊँ? आप ये चाह रही हैं आप? नहीं ना, अरे सारे काम तो करता हूँ आपके, मैं हर तरह का काम करता हूँ बाजी, आपके कपड़े इस्त्री करता हूँ, माली बन के इस घर में घूम रहा हूँ, शेफ बन के घूम रहा हूँ, आपकी मेड मैं हूँ, वो तो आती नहीं है। हाँ। मैं ही घर में घूम रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, कभी नालियां साफ कर रहा हूँ, सही क्या? और जो मैं मजेदार खाने बना बना के मेहनत कर करके देती हूँ वो? अल्लाह माफ करे, वो आलू बैंगन जो है वो जानवर भी नहीं खा रहे, मैंने घर से बाहर फेंका, जानवरों तक ने मुंह फेर लिया, इतने बदजायके। बस बस बस, मेरा आलू बैंगन की बेइज्जती अब नहीं, मेरे खाने की बेइज्जती मैं तुम्हें बता दूं। बाजी वो बेइज्जती है, उसको अगर आप समझ रही वो खाना है वो बेइज्जती है, वो इट इज अ बेइज्जती। ठीक है अब खा लेना, अब खा लेना तुम खाना, अब मैं तुम्हें भूखा रखूंगी, चुप भूखा। हाँ तो बाजी हिटलर बन गई, फिर प्रैक्टिस करता हूँ। लोस्मा हाउ आर यू? अरे भैया कैसे हैं आप, ठीक ठाक? अरे भैया वो क्या, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनकी रस्में नहीं होंगी, खावर और मोना की डेट रखनी है ना तो रख ले मेरे बगैर, मुझे नहीं आना। दुनिया को दिखाने के लिए झूठी मुस्कुराहट सजा लो ना। तोगलाबंद तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तू तो यार चुप ही रह, सिर्फ नाम का ही दोस्त है तू, तुझसे इतना नहीं हो रहा कि भाई की तकलीफ है? जाके दानिया को समझा कि जो कुछ भी हुआ वो एक मजाक था, एक शरारत थी, मैं वाकई उससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं भाई नहीं, वो एक नंबर की जिद्दी है, मैं उसे सर के बल खड़ा होकर भी यकीन दिला दूं ना वो तब भी नहीं मानेगी। पता नहीं वो कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मैंने तेरी बातों में आके बकवास कर दी। ऐसी बकवास ना अक्सर तुम अपने बारे में करते रहते हो। ओह नो, आज बात मुझ पर आ गई। क्या कहा तूने? मैंने कहा था वाह ये भी तू ठीक कह रहा है। मुझे तो लगता है रानिया दिल ही दिल में माहिर से मोहब्बत करती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, वो मोहब्बत तो करती है आपसे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है यार कि मेरे जैसा स्मार्ट हैंडसम और डैशिंग लड़का आसपास हो और लड़की मेरे बारे में ख्वाब ना देखे। देखा देखा तो उन्होंने, ये इसकी खुशफहमी, लिखवा ले तुम उससे तो एक दिन मरेगा, रानिया तुझे नहीं मिलने वाली। और तेरी बातें सुन के ना दिल करता है। अरे बस 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 बस, 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 बस। हाँ राबिल क्या कह रही थी तुम कि रानिया? मैं कह रही थी कि वो मोहब्बत करती है आपसे, बस कहने से डरती है, एक्चुअली उसको हार नहीं पसंद ना, और उसे डर लगता है कि वो जब अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा। बस मैंने सोच लिया, रानिया को मोहब्बत का इकरार करना ही पड़ेगा। यार हनी कुछ गड़बड़ मत कर देना यार प्लीज, वो डॉक्टर वासिक है ना, वो तो उकाब की तरह उचकने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कोई गड़बड़ हमने की नहीं और उसने जो है ना वो देख लेना यार प्लीज। कोई गड़बड़ नहीं होगी, लाइफ टाइम फॉर्मूला फिट करूंगी मैं। करना क्या है? कोई बता दूंगी। अरे हनी देखो प्लान शेयर करने से हम भी उसमें अपना इनपुट डाल सकते हैं ना, तो बताओ तो सही कि क्या प्लान है। बता दूंगी सबर कर। यार कोई हिंट तो दो। अरे हनी कोई प्लान को कुछ इंतहाई संगदिल कसन है वैसे तेरी, बोलती है कि मदद कर रही हूं लेकिन इसकी मदद महसूस नहीं होती, पता नहीं क्या प्लान है इसके दिमाग में, कुछ नहीं बताया,
ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा। मुझे ना तेरी तबीयत सही नहीं लग रही, एक काम करते हैं डॉक्टर वासिक के पास चलते हैं, वहां तेरा ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैं अगर मर भी रहा हुआ ना तब भी उस डॉक्टर वासिक के पास नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर वासिक के पास ना जाएगा, ये ना हो गई जहर का इंजेक्शन लगा दें आपको। तुम दोनों हो ही कोई एहसान फरामोश किस्म के इंसान, इतनी मैंने हेल्प की है तुम दोनों की, लेकिन भाई का जब मसला आया तो कर कर कर। कौन सी हेल्प? मजाक कर। अच्छा याद दिलाऊं कौन सी हेल्प? अच्छा ना दिल छोटा नहीं करो यार, करते हैं कुछ ना कुछ। आंटी ये सब क्या है? आज मैं ना सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं कितनी रिच वुमन हूँ। क्या फायदा आंटी, कोई इंप्रेस ही नहीं होगा। ओहो मुझे याद आया, मुझे तो अब तुझसे बात ही नहीं करनी है। कैसी लड़की है तू, तुझसे एक महीर जैसा लड़का ना पटाया जा सका। तूने अगर मेरी बात को अहमियत दी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, क्या हुआ करोड़ों का नुकसान हो गया बस। स्वीटी आंटी आप खुश हो जाए, मैंने माहिर को अपने काबू में करने का ना फैसला कर लिया, अनकरीब हम लोग एंगेजमेंट भी कर लेंगे, बस आप कोई तमाशा मत करिएगा। हाय हनी तू कहीं जोक तो नहीं मार रही? नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, आई प्रॉमिस। हाय अब तो इस खुशी में ना मैं डबल ज्वेलरी पहनूंगी। नहीं 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 और कुछ मत पहनिएगा, अम्मा जी ने आपको इस हालत में देख लिया ना फिर वो आपको कोई फनी सा टाइटल दे देंगे और आप रोती रहेंगी। रोना तो अब सारी उम्र अम्मा जी ने है, जब मैं उनके बेटे के साथ ना उनके पोते को भी लेकर अमेरिका फुर्र से उड़ जाऊंगी। हाय हनी तूने तो मुझे खुश कर दिया। रानी जल्दी करो ना, सब इंतजार कर रहे होंगे, इतनी देर हो रही है। बेबो एक बात तो बताएं, क्या कोई खुद पसंद मगरूर हरजाई सा बंदा किसी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है? पता है रानी दिल के मामले ना बड़े अजीब होते हैं, कब कौन आपके दिल के करीब आ जाता है पता ही नहीं चलता। अब तुम मुझे ही देख लो। हाँ लेकिन पता कैसे चलेगा कि बंदा वाकई सीरियस है या सिर्फ शर्त? मेरा मतलब है कि कैसे पता चलेगा कि मोहब्बत सच्ची है? पता नहीं, मेरा कभी किसी ऐसे बंदे से पाला ही नहीं पड़ा। और अब ना तुम इन सारी बातों को छोड़ो, रात को वापस आके ना हम आराम से बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना। हाँ को पता है माहिर ने ना समीर कबीर अमेरिका रिटर्न हानी से शादी से साफ इनकार कर दिया। लगता है माहिर को किसी और से मोहब्बत हो गई है। पता नहीं किसी की मोहब्बत ने किया या फिर स्वीटी आंटी की नफरत ने करवाया। तो ये भी कितनी मुसीबत है ना यार, सच्ची बात का पता ही नहीं लगा सकते। क्या बात है, आज माहिर के बारे में बहुत सोचा जा रहा है। हाँ तो रिश्तेदार है हमारा, भले जैसा भी हो ताल्लुक तो है ना, सोच सकते हैं हम उसके बारे में। हमारा ताल्लुक तो डॉक्टर वासिक से भी है, और भाभी बता रही थी उस बेचारे को तो तुमने मना कर दिया कि शादी करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा ना पर्सनल मामला है। तुम्हारा पर्सनल मसला डॉक्टर वासिक नहीं है, चौधरी माहिर है, बस अल्लाह करे ये जल्दी से हल हो जाए। रानी ये क्या लग रही है इतना गुलाबी गुलाबी, ऐसे करने को कहा था मैंने तुम्हें? अरे कहाँ इतना कहाँ है, सारा खराब कर दिया मेरा मेकअप, फ्रेश लग रही है। मामू को ना गुलाबी गुलाबी पसंद है, गुलाबी उनका फेवरेट कलर है। सच्ची? जी। अरे आसिया बीबी आज इस नाचीज को कैसे याद किया? कितने हो तुसी? बिल्कुल खालिस बीवियों वाला सवाल किया। तो बीवी तो मैं हूं ना जी, आपको कोई शक है? सिर्फ बीवी नहीं बावफा बीवी, इतने साल किसी बेवफा मर्द के नाम पे बैठे रहना आसान काम नहीं।
छोड़ो परा, ये सारी गल्ला ना मैं गांव वाले घर के किसी कोने में दबा कर आ गई थी। तुसी भी ये गल्ला ना किया करो। हां जो हुक्म मैडम, आप बताएंगी मुझे कैसे याद? आपको याद है ताया जी ने आपको आपा जी के घर आने का कहा था। आप आ जाइएगा ना जी, ताया जी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, काम से जैसे फारिग होता हूँ फौरन पहुंच जाऊंगा। कोई और हुक्म? मैंने की हुक्म करना है, तुसी अपनी मर्जी दे मालिक हो। इंशाल्लाह शाम को मुलाकात हो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तेरे आने से हो याने बहारा, तेरे आने से हो याने बहारा, दिल नची जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के, तेनू तक दया सारा दिन ओ यारा, तेनू तक दया सारा दिन ओ यारा, मोहल्ले विच वारा बन गए, मोहल्ले विच वारा बन गए। क्या पता माहिर वाकई मुझसे प्यार करने लगा हो। ऐसा हो भी सकता है, आखिर कमी क्या है मुझ में? अच्छी खासी हूं, पढ़ी लिखी हूं और मुस्तकबिल की वजीर आजम भी हूं। लगाने की कोशिश करूंगी, कम से कम मामला एक तरफ तो होगा। तेरे आने से हो याने बहारा, दिल नची जावे धक धक के।